हालेलुया। परमेश्वर मसीह के नाम में सभी को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। एक सुंदर सा वक्त परमेश्वर ने हम सबको दिया है ताकि हम उनकी उपासना करें, उनकी आराधना करें। आशा करते हैं कि आप सबों को परमेश्वर ने सही सलामत तंदुरुस्ती के साथ ने भर कर रखा है और आपकी सारी आवश्यकता परमेश्वर आप तक लेकर आ रहे हैं। आप सबों के लिए निरंतर हमारी दुआएं परमेश्वर के सामने हैं। आप सब हमारे ख्यालों में हैं, आप सब हमारे दुआओं में हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमेशा अपनी अगुवाई आपके संग रखे, अपने प्रावधान भी आपके पास लेकर आए। परमेश्वर आपको कभी छोड़े ना, कभी त्यागे ना। निरंतर परमेश्वर के सानिध्य में इस प्रकार से आशीषमानों की संख्या में खड़े रहे। हम निरंतर आप सबों के लिए यही दुआ करते हुए आगे बढ़ते हैं। आए हम सब लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने सिरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर देखते हुए हम दुआ करेंगे। खुदावंत के अभिषेक के लिए, अगुवाई के लिए प्रार्थना करेंगे और हम सबों की आशीर्वादों के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम वचन को ध्यान करने जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, गौरव, आदर, सम्मान हम आपकी करते हुए एक और बार उपासना के साथ में, आराधना के साथ आपके सानिध्य में आते हैं। हम सबों को मन को, हम सारे मनों को जानने वाले, उनको जांच कर प्रभु जिनको अपनी दृष्टि को रखने वाले और हम सबको हमारी आवश्यकताओं के अनुसार आप जानने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं सारी भलाइयों के लिए, सारी आशीर्वादों के लिए जो आपने प्रभु जी हम तक अब तक लेकर आए हैं और वर्तमान के दिन में प्रभु आने वाले भविष्य के लिए आपने सिद्ध कर रखी है। हर एक विषय के लिए आपको स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हमारे परिजनों में से यदि कोई कमजोर है, बीमार है, किसी कारण से परेशान है, चाहे आर्थिक समस्या हो प्रभु, या फिर शारीरिक समस्या हो प्रभु जी, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, किसी कमी से वो गुजर रहे हैं, किसी मुसीबत से वो गुजर रहे हैं, कोई संकट से भी गुजर रहे हैं, तो दुआ करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी चंगाई भरी हाथ, आपकी स्वस्थ प्रभुपति भरी हाथ प्रभु और आपकी सेहत में स्पर्श उनके ऊपर लेकर आए, साथ ही साथ आपके प्रावधान उनके बीच में लेकर आए प्रभु जी। उनके घरों को तृप्त करें, उनके जीवनों को तृप्त करें, उनके परिवारों को तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। हर एक व्यक्ति पूर्ण मन के साथ में, पूर्ण शांति के साथ, पूर्ण आनंद के साथ में और अच्छी तंदुरुस्ती सेहत के साथ में आपके सानिध्य में आपकी उपासना कर पाए, इसलिए खुदा प्रार्थना करते हैं हर व्यक्ति को छूकर उन सबों को आशीर्वाद देने के लिए। हमारी सारी पुकारों को प्रभु जी आपने सुनकर हम सबों को दिया हुआ इस उत्तर के लिए भी धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु मसीह के नाम में फिर से एक बार सभी को प्यार भरा जय मसीह की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। हमारी ध्यान को मत्ती का सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय में लेकर जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। हमने कल तक यीशु मसीह की पूर्ण जीवन को, कल तक हमने यीशु मसीह की पूर्ण जीवन को मत्ती के सुसमाचार से और लूका के सुसमाचार से देखा था। उनके 30 वर्ष की उम्र तक हमने पूरी तरह से उनका जीवन क्रम को कालानुसार हमने ध्यान किया था। यीशु मसीह की जन्म बेतलहम में होती है, 8वें दिन में उनका खतना होता है और उनका नाम यीशु रखा जाता है। 40 दिन के बाद उन्हें मंदिर में लिया जाता है। मंदिर में परमेश्वर के भक्त शमौन और परमेश्वर के भक्तनी अन्ना रहती हैं। उन्होंने न केवल भविष्यवाणी की है, परमेश्वर की महिमा भी की है। इन सारी बातों को मरियम से कहा है। स्वर्गदूतों ने जाकर गढ़ेरियों को बताया है कि इसराइल का, संसार का उद्धार करता जन्म लिया है। और स्वर्गदूतों ने जो बातों को बताई थी, उन बातों को कहने के बाद में वे परमेश्वर की आनंद कर रहे थे और उनके संग में स्वर्गलोक में से परमेश्वर के दूतों के दल आते हैं। वे सब लोग ऊंचे आसमानों में उस खुदावंत की महिमा करते, आराधना करते हैं। इन बातों को देखने के लिए गढ़ेरियों ने बेतलहम की ओर जाकर चरणी में पाते हैं यीशु मसीह को, जिस तरह से स्वर्गदूत ने उनके साथ में कहा था। पूर्व तारा नजर आती है और उस तारा के कारण ज्ञानी कुछ मजूसी वहां से निकल आते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं। वे सब उन्हें ढूंढते हुए राजभवन तक, यरूशलेम तक पहुंच जाते, हेरोद के घर तक। हेरोद के घर पहुंचने के बाद हेरोद के यहां तो उन्हें नहीं पाते हैं, परंतु वही सितारा उन्हें दिशा दिखाते हुए बेतलहम के एफ्राता तक लेकर जाती हैं, जहां पर यीशु मसीह रखे गए थे। यीशु मसीह वहां से नासरत जाते हैं, नासरत से फिर हेरोद के हाथों से बचने के लिए मिस्र देश की ओर चले जाते हैं। यूसुफ और मरियम सभी मिलकर मिस्र में चले जाते हैं। 2 वर्षों के बाद में जब लौट कर आते हैं, उस समय हेरोदस ने सभी को, जो छोटे बालक थे, जो 2 वर्ष से कम उम्र के थे, सभी को उन्होंने
कत्ल करवा दिया था, उन्होंने मरवा दिया था। यीशु मसीह वापस आते हैं 12वीं वर्ष की उम्र में, वो उन्हें मंदिर में देखते हैं यरूशलेम में, जहाँ परमेश्वर के भक्तों के साथ में, परमेश्वर के याजकों के साथ में बैठ कर वे वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे, उनको उत्तर भी दे रहे थे। यीशु मसीह की अम्मा ने उनसे उनसे कहा कि चलो घर चलो, तो यूसुफ के संग और मरियम के संग वे चले जाते हैं। अपनी 13वीं वर्ष से लेकर 30वीं वर्ष तक हम देखते हैं लूका के सुसमाचार में ही कि वे नासरत में जाकर अपने माता पिता के अधीन हो गए हैं। यहां तक हमने देखा है इस प्रकार से यीशु मसीह परमेश्वर की दया में, मनुष्यों की दया में, यीशु मसीह बुद्धि में और ढील-ढाल में किस प्रकार से बढ़ रहे थे। इन बातों को भी हमने कल रात को ध्यान किया है। आज हम इन्हीं बातों को बढ़ाते हुए यीशु मसीह अपनी सेवकाई की जो आरंभ करते हैं, सेवकाई के जीवन से आरंभ को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए मत्ती के सुसमाचार में जाते हैं, उसकी तीसरी अध्याय में प्रवेश करते हुए पहला वचन से लेकर पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशा भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े के पटुआ बांधे हुआ था और उसका भोजन टिड्डिया और वनमधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यर्दन के पास के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं ताकि जाकर यीशु मसीह का अर्थात प्रभु का मार्ग को सिद्ध करे, प्रभु से पहले जाकर उनकी मार्ग को तैयार करे। इसी बात को भविष्यवक्ता यशायाह नबी ने कुछ सदियों पहले कहा था, कुछ शतकों पहले कहा था, लगभग 9 शतक पहले। इस बात को कहते हैं कि एक आवाज आने वाली है और वो आवाज आएगी कि जाकर परमेश्वर के प्रभु के मार्गों को सिद्ध करते जाए। तो यूहन्ना के बारे में बताया गया है। यूहन्ना वैसे यर्दन की नदी में है, बेतबारा इस जगह का छोटा सा जगह जिसका नाम बेतबारा कहा जाता है, यहूदिया के जंगल के उस जगह पर यहूदी यर्दन पर जाकर वहां पर प्रचार करने लगे थे। और वे प्रचार करते समय मन फिराने के उपदेश को दे रहे थे, मन फिराने के उपदेश को और स्वर्गराज के निकट आने के उपदेश को, और किस तरह से एक व्यक्ति अपने मन को फिराकर प्रायश्चित करते हुए बपतिस्मा को प्राप्त कर उस स्वर्गराज में प्रवेश करते हैं। इन बातों को जब बयान कर रहे थे, कई सारे लोग यर्दन के पास से आए हैं, कई सारे लोग यहूदिया से आए हैं और कुछ लोग यरूशलेम से आए हैं, आसपास के गांवों से, नगरों से, शहरों से बहुत बड़ी भीड़ में संख्या में लोग आते हुए यर्दन के यहां पर आकर यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा को प्राप्त करने लगे थे। उस समय यूहन्ना किसी पर एक अद्भुत दृश्य को देखते हैं, 5वें वचन में देखेंगे, सर 7वें वचन में चलते हैं। जब उसने बहुत सारे फरसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागे? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागे? ये बात यूहन्ना फरसियों से कहते हैं और सदुकियों से कहते हैं। तुम्हें किसने बताया कि मन फिराना आवश्यक है? तुम्हें किसने शिक्षा दी है कि मन फिराओ की एक शिक्षा है, एक माध्यम है, और स्वर्ग एक जगह है और उस जगह में प्रवेश करना है और स्वर्ग निकट आ चुका है? और अपने अपने मन में यह ना सोचे कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यूहन्ना इन सारी बातों को और आगे ले जाकर फरिसियों से, सदुकियों से कहते हैं, उनके तर्क में उनसे बातें करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं क्योंकि हम इब्राहिम के संतान हैं और हमें स्वर्ग में सीधा टिकट मिल चुका है। इस तर्क का उद्देश्य और सारांश यह है, यहूदी मानते हैं, फरिसी मानते हैं, सदुकी मानते हैं कि क्योंकि वे इब्राहिम के संतान हैं, इब्राहिम के संतान होने के कारण चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, परमेश्वर की विधियों के अनुसार चल रहे हो या फिर नहीं, व्यवस्था का पालन भले वे करते हो या ना करते हो, लेकिन उनका मानना था क्योंकि हम इब्राहिम के संतान हैं हम स्वर्ग जाएंगे। यही बात एक ख्रिस्ती परिवार में होती है। एक ख्रिस्ती परिवार में माता पिता के द्वारा जन्मे बच्चे भी
इसी तरह से अपने आप को देखते हैं और माता पिता भी ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे कलीसिया जाते हैं, हमारे बच्चे संडे स्कूल से परमेश्वर की आराधना करते हैं, वे ख्रिस्ती परिवार में जन्मे हैं, हम बचपन से ख्रिस्ती है, हमने बपतिस्मा लिया है और हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, तो हमारे बच्चे सीधे स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे। बस उन्हें इतना करना है कि उनको बपतिस्मा लेना है। परंतु बपतिस्मा उस समय लिया जाता है जब एक इंसान अपने आप को जान वो पहचान लेता है कि उसे एक पुनर्जीवन मिली है, एक नए सिरे से जन्म उसे मिली है। एक अर्थ में आपको इस तरह से उदाहरण आपको समझाता हूं। मान लेते कोई इंसान बहुत ही बीमार रोगी हो गए हैं, मरने की स्थिति पर पहुंच चुके हैं, और वो व्यक्ति अपने आप को एहसास करता है कि लगभग उसकी प्राण उसे चली गई है, लगभग उसकी प्राण उसे चली गई। अगर आप देखेंगे इस संकट के समय में, इस महामारी के दौरान, इस कोविड के वातावरण में, कितने ही ऐसे लोग हैं जो लगभग मृत्यु के करीब जाकर, उस फाटक के यहां तक जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वे मर चुके हैं, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह को पाकर फिर जीवित होकर बाहर निकल आए हैं। जब वो इंसान एहसास करता है कि मैं लगभग मर चुका था, मेरी हालत इतनी भयंकर हो चुकी थी, परंतु मैं आज जी उठा हूं। एक व्यक्ति अपने आप में भी एहसास जब करता है, मैं पापी था, पाप करते करते पापमय जीवन में मैं चल रहा था और पाप की राह पर मैं होकर चल रहा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि मुझे एक नयापन मेरे भीतर मेरे प्रभु आप प्रवेश करके मुझे दिए हैं, और इस नएपन के माध्यम से मुझे एहसास हो चुका है कि मैं आज पूरी तरह से, मैं भीतर से नहीं बाहर तक पूरी तरह से मैं बदल चुका हूं। और इस एहसास में जाकर इस उद्धार को देने वाला और एहसास करने वाला और मुझे पाप की राह से रोक कर उसे उससे अलग करने वाला, मुझे मुक्ति देकर मुझे क्षमा करने वाला कोई और नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जिन्हें मैं अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। आज मेरी पहचान, मुलाकात व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गई है। वही व्यक्ति जाकर बपतिस्मा ले सकता है। अगर उसकी मुलाकात यीशु के साथ नहीं हुई, ये तो हम बताते जा रहे हैं, सिर्फ उनको बताते जा रहे हैं, हम बचपन से अपने बच्चों को बताते प्रभु के बारे में, लेकिन प्रभु को जानना अवश्य है। एक और उदाहरण मैं आपको समझने के लिए मैं बताता हूं। इब्राहिम जब परमेश्वर के संग संग चल रहे थे, इब्राहिम जब तक जीवित थे तब तक उनका पुत्र इसहाक भी अपने पिता के संग संग होकर आराधना किया करते थे, लेकिन एक दिन इब्राहिम मर गया। इब्राहिम मरने के बाद में इसहाक परमेश्वर की जब आराधना करते हैं, इसहाक परमेश्वर की महिमा जब करते हैं, अपने क्रमानुसार परमेश्वर की आराधना करने वाले भक्त बन चुके हैं इसहाक। पिताजी ने उन्हें सिखाया था, हम जानते हैं कि बलि की वेदी तक उन्हें लेकर जाते हैं। ईसा के अनुभव बहुत ही गहरे हैं, जिस तरह के अनुभव इब्राहिम के साथ में थे। इब्राहिम को तो सिर्फ परमेश्वर ने बुलाया था, लेकिन इसहाक लगभग वध हो चुका था, उनकी खोई हुई प्राण, लगभग खोई हुई प्राण वापस उनको मिल चुकी थी। इसहाक परमेश्वर को बड़ी करीबी से जानते हैं, और इब्राहिम के मृत्यु के बाद में अकाल से बचने के लिए अबीमेलेक के उस फिलिस्तियों के देश में जाकर गरार नाम की जगह में पहुंचकर वहां पर बस जाते हैं। तब परमेश्वर उनके साथ मुलाकात करते हैं। जिस तरह से इब्राहिम ने कहा था कि सारा मेरी पत्नी नहीं है, मेरी बहन है, क्योंकि उनके कारण से इब्राहिम को मार देंगे, इसी तरह से इसहाक ने भी कहा था। उन्होंने सोचा कि वहां के लोगों में परमेश्वर का भय नहीं है, लेकिन राजा परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के स्वप्न को पाकर, परमेश्वर के ज्ञान को पाकर इब्राहिम के साथ में आकर उन्हीं बातों को किए हैं, और साथ ही साथ में इसहाक के साथ भी वही बातों को करते हैं। इब्राहिम की पत्नी को भी इब्राहिम के हाथों में सौंप दिया था, या इसहाक की पत्नी को भी रिबका को उन्होंने उनके हाथ में सौंप दिया था। इसका परिणाम सो इसके बाद परमेश्वर उनसे मुलाकात करते हैं और दर्शन देकर कहते हैं, मैंने जो प्रतिज्ञा तेरे पिताजी से की थी वही प्रतिज्ञा मैं तेरे अंदर पुनरावृत करता हूं। जो प्रतिज्ञा और वाचा मैंने तेरे पिता के साथ में बांधी थी की थी उससे मैं यहां पर अब तेरे जीवन में लगा लेकर आता हूं। अभी व्यक्तिगत रूप से इसहाक परमेश्वर को जानकर, व्यक्तिगत रूप से उन्हें पहचान कर उनके संग चलने लगा। इससे पहले पिताजी के माध्यम से इसहाक परमेश्वर के यहां पर पहुंचा करते थे, अभी आगे ले जाते हैं। इसी को उद्धार कहते हैं। आप अपने माता पिता के जरिए, माता पिता के माध्यम से, अपनी कलीसिया के माध्यम से आप प्रभु के पास जाते हैं, आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये सब अच्छी बात है, ये सब हमें करना है, लेकिन
एक व्यक्तिगत एहसास की चीज होती है। व्यक्तिगत मुलाकात प्रभु के साथ होती है और उस मुलाकात में प्रभु के करीब जाकर आप उनके संग रह जाते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपने प्रभु को अगर आप पहचानते हैं उस दिन आपका उद्धार होता है। इब्राहिम के संतान हम होने के कारण हमारा स्वर्ग राज में प्रवेश है, स्वर्ग हमारा है। इस दृढ़ विश्वास के साथ में रहने वाले परमेश्वर के उन संतानों को, फरीसियों को और सदूकियों को बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है, अगर परमेश्वर चाहे तो पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु तुम्हें उद्धार की जरूरत है और उद्धार में तुम्हें प्रवेश करना है। तुम्हारे माता पिता उद्धार को प्राप्त किए हैं, तुम्हारे पास उद्धार नहीं है। जब तक तुम परमेश्वर को नहीं जानोगे, उस प्रभु को नहीं पहचानोगे, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता है। यरदन की यरूशलेम में, यरूशलेम के यरदन के पास यूहन्ना बपतिस्मा बेतबारा नामक उस जगह पर, उस जंगल में प्रचार करते गए थे और यरदन की नदी में वे बपतिस्मा देते गए हैं। कई सारे लोग आते हैं, यीशु मसीह भी उनके पास आते हैं। हम कल शाम को देखेंगे यीशु मसीह किस प्रकार से उनके पास आते हैं और यीशु मसीह को किस रूप में यूहन्ना ने देखा है। वैसे तो यीशु मसीह को सभी ने देखा है, यूहन्ना यीशु मसीह को अब से नहीं 30 साल पूर्व से जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की माता मरियम और उनके पिताजी यूसुफ और यूहन्ना के माता पिता जकरिया और एलिशिबा सब एक परिवार के हैं। लेकिन सेवकाई में यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में कैसे पहचान पाते हैं, कैसे उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में पहचान पाते हैं, कैसी प्रकाश उन्हें प्राप्त तो होती हैं और किस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह जब उनके पास आते हैं, उन उस मुलाकात में कैसी बातें भी करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग कल ध्यान करेंगे। लेकिन आज यहां पर एक विशेष बात से हम इस संदेश को समाप्त करना चाहते हैं। आई एम सॉरी। उद्धार हम सबके लिए आवश्यक है। स्वर्ग राज निकट आ चुका है। स्वर्ग राज बहुत दूर था, लोगों को लगता था कि स्वर्ग राज बहुत दूर था, लेकिन उसी स्वर्ग राज को परमेश्वर हमारे निकट लेकर आए हैं, हमारे घर तक लेकर आए हैं। एक समय था हम लोग कई सारे मील, कई सारे किलोमीटर चल चल कर हम लोग कलीसिया में जाते थे, लेकिन प्रभु ने आज कलीसिया को हमारे घर के अंदर लेकर आए हैं। हम अपने घर बैठे हुए, हम जहां बैठे वहां पर आराधना करते हैं। अभी एक समय था भौतिक रूप में हम लोग बहुत ही लंबी यात्रा को तय करते थे। इस लॉकडाउन के माध्यम से कलीसिया तो बंद हो चुकी है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने कलीसिया को हमारे घर तक पहुंचा दिया है। आज वही परमेश्वर हमसे कहते हैं, स्वर्ग बहुत दूर था लेकिन स्वर्ग को परमेश्वर ने हमारे घर तक लेकर आए हैं, हमारे जीवन तक लेकर आए हैं, हमारे कानों तक अभी लेकर आए हैं। वचनों को आप सुन रहे हैं, अगर आप अभी तक आपने स्वर्ग का प्रवेश के लिए अपने कदमों को नहीं उठाया है, अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, अभी तक आपने प्रायश्चित नहीं किया है, मन नहीं फिराया है, बपतिस्मा नहीं प्राप्त किया है, प्रभु के मार्गों में चलने के लिए अपने निर्णय को अभी तक प्रकट नहीं किए हैं, परमेश्वर के संग होकर अभी तक अपनी यात्रा को आपने आरंभ नहीं किया है, आज ही उद्धार का समय है। खुदावंद उस अद्भुत संसार में, स्वर्ग लोक में आप सबों को लेकर जाना चाहते हैं, मुझे लेकर जाना चाहते हैं। हम सब लोग आशा करते हैं वो स्वर्ग संसार में जो सुनहरी संसार है, वो अद्भुत संसार में जहां पर परमेश्वर स्वयं होंगे और बरकते बरकत होंगे, शांति शांति होगी, आराम ही आराम वहां पर होगा। हम परमेश्वर के साथ में आनंदित एक सुखदायक एक आशीषमान जीवन को वहां पर बिताएंगे। उस स्वर्ग के लिए अपने आप को सिद्ध करना है तो यहां पर हमें एहसास करना है कि हम गुनहगार हैं, हम अपराधी हैं, हम पापी हैं। हमारी जो भी भूल हो, भले हमने किसी को मारा नहीं है, किसी को हमने हत्या नहीं किया है, हमने कोई चोरी नहीं की, हमने डाका नहीं डाला है, परंतु हमारे सोच में, हमारे विचार में अगर कोई अपराध हमारे भीतर होते हैं, हर मनुष्य स्वाभाविक रूप से पापी होता है, उसके सोच में ही पाप है, उसके सोच में बुराई है। सारी बुराई को खत्म कर उद्धारकर्ता के रूप में लेकर यीशु को अपने भीतर आह्वान करना है, जिसके माध्यम से हमारी जीवन, हमारे चरित्र बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी, सोच के माध्यम से आने वाले हमारे शब्द भी बदल जाएंगे और हम सब लोग पवित्र हो जाएंगे और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमें अपनी लहू से धोकर शुद्ध करते हुए हम सबों को अपने स्वर्ग की ओर लेकर जाएंगे। आई पिता के स्वर्ग भवन में जाने के लिए, उनके संतान ठहरने के लिए, अपने आप को स्वर्ग की उस भाग में अपने आप को देखने के लिए और साथ ही साथ उद्धार में हम सब लोग प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर की महिमा को देखकर उनकी महिमा में हम सब लोग प्रवेश करने के लिए अपने आप को उनके हाथों में लेकर चलते हैं, सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करके प्रार्थना करते हैं।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद आभार के साथ फिर से एक बार आपके सानिध्य में हमारे सिरों को झुकाते हैं। आपने अब तक हमसे जो प्रभु जी जो की भी बातें की, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे परिजन प्रभु जी जो आपके वचनों को सुन रहे हैं, उन सबों के लिए दुआ करते हैं। खुदा, अगर अभी तक उन्होंने उद्धार को प्राप्त नहीं किया है, आज ही उद्धार का समय उनके जीवन में लेकर आए। इसी वक्त प्रभु जी उनसे बातें करने के लिए, इसी वक्त परमेश्वर अपनी महिमा में उन्हें प्रवेश कराने के लिए दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, के सारे अपराधों को, भूलों को, गुनाहों को, पापों को क्षमा करते हुए स्वर्ग का वारिस बनने का, आपकी महिमा में प्रवेश करने का सौभाग्य हर व्यक्ति को प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। अगर पिता परमेश्वर आपकी पुत्र के आगमन में देरी होगी, तो हम सब लोग प्रभु जी उद्धार को प्राप्त करें, आपकी बड़ी आनंद को प्राप्त करें, आपकी महिमा को देखने वाले, आपके आनंद में प्रवेश करने वाले प्रभु जी व्यक्तियों के रूप में प्रभु जी इस तरह से फिर से एक बार यहाँ पर इस धरती के पर प्रभु आपके सानिध्य में संगति में कल शाम को मिलने का सौभाग्य प्रदान करें। अगर हमारे मिलने से पहले आपके पुत्र की आगमन बादलों के ऊपर संभव होगी, तो स्वर्गराज में हम सबको प्रभु जी वहां पर मिलाने के लिए दुआ करते हुए सारी प्रार्थनाएं, हर प्रकार की प्रार्थना का भी उत्तर आपके पास से प्रभु हम तक पहुंचाए, इसके लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आपकी आशीष प्रदान करें। यीशु मसीह के इस जीवन क्रम की ओर हम लोग अपने ध्यान को कल भी बढ़ाते रहेंगे। कल शाम को फिर से एक बार मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसर का भी ख्याल रखिए। सी यू, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, सी यू टुमारो इवनिंग।